दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना हो, कभी स्वागत सम्मान के लिए बुलाना हो, कभी किसी प्रकार का कोई मंच पर आमंत्रण देना हो, तो कभी कभी उन लोगों को भी बुलाया करो जिन लोगों को कभी मंच पर आने का महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला, मंच पर आने का मौका नहीं मिला। अमीर तो जहां जाएगा वहीं सम्मान पालेगा, पर कम से कम संतों के द्वार तो ऐसे हो जहां पर गरीबों को भी पूरा सम्मान मिल सके। अमीर तो जहां जाएगा अपने पैसे के बलबूते पर सम्मान पालेगा। इन देश के सारे संतों को समझा दो कि अमीरों के बलबूते पर पंडाल बांधा तो जा सकता है, हैं? इन देश के सारे संतों को समझा दो कि अमीरों के बलबूते पर एक खूबसूरत पंडाल बांधा तो जा सकता है, पर अगर उसको भरना है तो जनता के बीच ही उतर कर आना पड़ेगा। अमीरों के बलबूते पंडाल को भरा नहीं जा सकता, बांधा जा सकता। सही कह रहा हूं ना? अमीरों के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर एक खूबसूरत पंडाल बांधा जा सकता है, पर उसे भरना है तो उसे भरना है तो क्या करना पड़ेगा? जनता के बीच आना पड़ेगा, सबका होना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा समाज का मतलब ही क्या होता है पता है? समाज का मतलब होता है समानता। समाज का मतलब क्या है? समानता। जहां पर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे हो, वहां समाज नहीं होता कि कोई एक मंच पर बैठा है, कोई एक नीचे बैठा है, कोई यहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, पांच लोगों को मालाएं पहनाई जा रही है। हमने तो इसलिए अपने यहां से इन परंपराओं को हटा ही दिया, हमें नुकसान तो होता है, क्योंकि अमीर लोगों को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, साफा चाहिए, सॉल चाहिए, ये सब चाहिए, तो हमें थोड़ा नुकसान तो होता है। अमीर लोग हमसे थोड़े दूर रहते हैं, पर हमें खुशी है हम अमीरों से थोड़े दूर रहते हैं पर जनता के बहुत करीब रहते हैं। हम आम जनता के बड़े करीब रहते हैं, उनके दिलों में छाए रहते हैं, क्योंकि जनता को संतों के यहां समानता के भाव चाहिए। कौन आगे, कौन पीछे, कौन ऊपर, कौन नीचे, सब समान है। संत का अर्थ होता है जो समानता से, समत्व से सबको देख सके, सबको जगह दे सके, उसी का नाम तो संत होता है। इसलिए समाज में समानता के भाव तो होने ही चाहिए। नंबर तीसरा मैं कहना चाहूंगा, समाज में सहयोग के भी भाव हो। समाज में समानता के साथ साथ सहयोग के भाव हो। अगर आपको लगता है कि समाज में 10% अमीर लोग हैं, वे काम करें। आप में जितने अमीर लोग हैं, मैं उन सब लोगों से कहना चाहूंगा वे अपने अपने समाज का व्यक्ति चयन कर ले। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे समाजों में जाएं सेवा करने के लिए। जो अग्रवाल है वो अग्रवालों के लिए, जो माहेश्वरी है वो माहेश्वरियों के लिए, जो जैनी है वो जैनियों के लिए, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों के लिए, जो सुथार है वो सुथारों के लिए, जो जिस जाति का जो माड़ी है वो माड़ी के लिए, जो जिस जाति का है वो एक काम कर लेना। अपनी अपनी जातियों के लोगों को ऊपर उठाना शुरू कर दो, सहयोग करना शुरू कर दो। एक अमीर परिवार, समाजों में रहने वाला हर एक अमीर परिवार अगर एक गरीब परिवार को गोद ले ले, तो दुनिया के किसी समाज में कोई गरीब परिवार नहीं रहेगा। अगर एक अमीर परिवार किसी एक गरीब परिवार को गोद ले ले समाज में, तो शायद किसी समाज में। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि अग्रवाल लोग माहेश्वरियों का सहयोग करें, माहेश्वरी जैनियों का सहयोग करें। अपने अपने समाजों में तो उतर कर आ जाओ कि जैसे जैनी है, देख लो हम इस शहर में 100 अमीर लोग हैं, हम 5-5 गरीब परिवारों को गोद लेंगे, उनको पांव पे खड़ा करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। समाजों में ऐसी बैंक बने। अगर आप ओसवाल हैं तो ओसवाल समाज का बनाइए, जैनी है तो जैनियों के लिए बनाइए, श्वेतांबर है तो श्वेतांबरों के लिए, दिगंबर है तो दिगंबरों के लिए, माहेश्वरी है तो माहेश्वरियों के लिए, अग्रवाल है तो अग्रवालों के लिए। समाज में अब ऐसी बैंकें बननी चाहिए जो समाज के नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बिना ब्याज के उनको 50,000 का धन दे सके, ताकि वो छोटा मोटा धंधा करके ऊपर उठ सके। समाज में अब ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो गरीब लोगों को 5-5 किलो धान और 10-10 किलो गेहूं और 20-20 किलो शक्कर और चावल बांटते रहें। इससे तो हम लोग अपने समाज के लोगों को अपंग बना देंगे, वो कभी पांव पे खड़े ही नहीं हो पाएंगे। अगर समाज के लोगों को पांव पे खड़ा करना है, हमें ऐसी बैंक बनानी पड़ेगी। अभी 4-5 साल पहले हम एक शहर में थे, एक ऐसे शहर में हम गए जहां पर समाज में 500 घर तो ऐसे थे जो महान अधिपति अमीर लोग, यानी 500 घर तो करोड़पति अरबपति, और उसी समाज में 200-400 ऐसे लोग, 100 तो ऐसे लोग कि जिनके घरों में महिलाओं को पहनने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं, खाना बनाने के लिए पूरे बर्तन तक नहीं, और सुबह का खाना बन गया तो शाम को खाना तक नहीं। हमने शहर में आंदोलन चलाया, आवाज उठाई, अमीर लोगों को संगठित किया, हमने कहा उठाओ अपने गरीब बंधुओं को, गरीब भाइयों को। हमने वहां बैंक बनाई, एक अमीर परिवार को एक गरीब परिवार गोद दिया, और इस तरह आज जानकर आश्चर्य होगा जिस शहर में कभी 500 अमीर 250 गरीब थे, आज वहां 750 अमीर बन गए हैं। पांव पे खड़ा कर
समाज को पंगु बनाने के बजाय पांव पर खड़ा करो। हर समाज में अपने अपने बैंक बनने चाहिए, हर समाज में अपने अपने ऐसे ट्रस्ट बनने चाहिए। हम तो ये बात बड़े खुले दिल से कहा करते हैं। आज की तारीख की दो विशेष सेवाओं की जरूरत है, नंबर एक शिक्षा, नंबर दो चिकित्सा। और आज की तारीख में सबसे अच्छे व्यवसाय भी यही है। किसी को लूटना हो तो सबसे अच्छे व्यवसाय है और वो है चिकित्सा और शिक्षा। समाज को चाहिए जब जब मंदिर की नींव डालें तो दो नींव और डालें, दाएं तरफ एक अस्पताल की नींव डालें, बाएं तरफ एक शिक्षालय के विद्यालय की नींव डालें और बीच में भगवान के मंदिर की नींव डालें ताकि पूजा अर्चना साकार हो सके। एक तरफ अस्पताल हो, एक तरफ शिक्षालय हो और इस तरह समाज के तबके को ऊपर उठाने का प्रयास हो। मुझे याद है, एक बहुत प्यारी घटना बता रहा हूं, शायद इतनी जीवंत घटना को सुनने का आनंद आपने कभी न लिया हो। कहते हैं औरंगजेब गुजरात पहुंचा, गुजरात पर उसका शासन हुआ और जब वो गुजरात पहुंचा तो वहां पर किसी का भी नाम पूछो तो पता है पहले जमाने में विशेषकर जैनियों में नाम कैसे बोला जाता था? शाह कांतिलाल जी, शाह शांतिलाल जी, शाह पोरवाल जी, क्यों जी ऐसे ही बोलते थे ना, सबके नाम के पहले शाह लगते थे। औरंगजेब ने देखा कि गुजरात में जहां भी जा रहे हैं सब लोग, बेटी ये वणिक लोग, ये जैनी लोग अपने नाम के साथ शाह शाह लिख रहे हैं। उसे बड़ा गुस्सा आया, मेरे नाम के पहले आता है बादशाह, क्या आता है बादशाह, पहले बाद फिर शाह, और ये लोग पहले शाह। बात को समझ रहे हैं? औरंगजेब के नाम के पहले क्या लिखता था? बादशाह, और जैनियों के नाम के पहले शाह। तो औरंगजेब को इस बात का गुस्सा आया और उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हमारे नाम के पहले लिखा जाता है बादशाह, बाद में शाह, और ये लोग पहले शाह लिखते हैं अपने नाम के पहले। और औरंगजेब ने आदेश जारी कर दिया, इस गुजरात में जितने भी शाह हैं वे शाह लिखना बंद कर दें, क्योंकि मैं बाद में शाह हूं, मैं बादशाह हूं, तो दूसरा शाह कैसे हो सकता है मुझसे पहले। गुस्सेल आदमी था औरंगजेब, अहंकारी आदमी था औरंगजेब। उसने आदेश जारी कर दिया कि गुजरात के सारे जैनी शाह लिखना बंद कर दें, क्योंकि औरंगजेब के नाम के पहले क्या था? शाह नहीं, क्या था? बादशाह, यानी बाद में शाह, ये जैनी लोग पहले शाह। सारे मंत्रियों ने, सारे राज सैनिकों ने, सेनापतियों ने औरंगजेब से कहा कि औरंगजेब ये गजब हो जाएगा, बाकी आपने जो कुछ किया शायद ये हिंदुस्तान सहन कर गया, पर अगर आपने गुजरात की माटी को ललकार दिया और यहां के लोगों को शाह लिखना बंद कर दिया तो गुजरात खाली हो जाएगा और आपका राज्य ही अस्तित्वहीन हो जाएगा। तो औरंगजेब ने कहा इसका क्या इलाज है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे नाम के पहले आता है बादशाह, ये लोग पहले शाह, मेरे पहले लिखा जाता है बाद और फिर शाह, और ये लोग सीधे शाह लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा। औरंगजेब को और ज्यादा गुस्सा आया और तभी संयोग की बात, गुजरात में उस साल भयंकर अकाल पड़ा था। मंत्रियों ने, महामंत्रियों ने कहा था कि औरंगजेब अगर गुजरात से इन शाहों को अलग कर दिया जाए तो गुजरात में पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए इन शाहों से सिर्फ अच्छी मोल मत लीजिए, आप घाटे में रहेंगे। महामंत्रियों ने कहा इन शाहों से, सिर्फ 25 शाहों से लोहा मत लीजिए, आप घाटे में रहेंगे औरंगजेब। और तब औरंगजेब ने शाहों को ललकारा और अपने महामंत्रियों से कहा कि गुजरात का भयंकर अकाल पड़ा है, तुम कहते हो कि शाह लोग गुजरात को चलाते हैं, ये शाह लोग बड़े दानवीर हैं, बड़े दुनिया के लिए दीन दुखियों के लिए खर्चा करते हैं, तो जाओ आज परीक्षा हो जाए कि ये बादशाह है या मैं बादशाह हूं, ये शाह है या मैं शाह हूं, परीक्षा हो जाए, जाओ इन गुजरात के सारे शाहों के पास और गुजरात के अकाल को दूर करने के लिए 1 करोड़ चांदी के सिक्के लेकर आओ। कितने? कोई मामूली बात नहीं थी उस समय, 1 करोड़। एक सिक्के में तो पूरी जमीन के प्लॉट के प्लॉट लिए जाते थे। 1 करोड़ चांदी के मोहरे लेकर आओ और जब वो इकट्ठी करके लाओगे तो मैं मान जाऊंगा कि शाह लोग कुछ दमदार हैं। मंत्रियों को भी लगा, अमात्यों को भी लगा, सेनापति को भी लगा, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, 1 करोड़ सोनइये, 1 करोड़ चांदी के सिक्के, 1 करोड़ मोहरे, भला कहां से इकट्ठी करके लाएंगे, अरे कहां कहां जाएंगे। बैलगाड़ियां साथ में ली गई और वे सब लोग रवाना हुए, क्योंकि ये शाहों की इज्जत का सवाल था। वे सब लोग रवाना हुए ये सोचकर कि पूरे गुजरात को छान मारेंगे, पर हम जैसे तैसे भी 1 करोड़ मोहरे जरूर इकट्ठी करके लाएंगे। पहले गांव में पहुंचे गुजरात के, घटना लीजिएगा, संयोग किसे कहते हैं, पहले गांव में पहुंचे और उस गांव में रहता था एक पीथड़ शाह, क्या नाम था? शाह पीथड़।
उसका नाम था शाह पीथड़। उसने जब देखा कि औरंगजेब के इतने महामंत्री और सारे सेनापति लोग बैलगाड़ियां लेकर आ रहे हैं, तो वो उनके सम्मान में गया, जाकर पूछा बात क्या है, कहां जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह औरंगजेब गुस्से में आ गया है, उसको बादशाह लिखना पसंद नहीं है कि ये लोग शाह लिखे और मैं बादशाह लिखूं, और उसने आदेश जारी कर दिया कि सबके शाह हटा दिए जाए, और अगर वो शाह लिखना चाहते हैं तो गुजरात के अकाल को दूर करने के लिए 1 करोड़ मोहरें दें। कितनी? 1 करोड़ मोहरें। हम चिंतित हैं कि आखिर कैसे इकट्ठी करेंगे। अरे 1 करोड़ मोहरें कम नहीं होती हैं, कोई आदमी 1-2 मोहरें देगा, इससे ज्यादा क्या सहयोग देगा। पीथड़ शाह उन्हें अपने घर में लेकर गया, भोजन कराया और कहा कि आप जो रोकड़ लेकर निकले हैं ना चंदा लेने के लिए, 1 करोड़ मोहरें इकट्ठी करने के लिए, वो रोकड़ जरा मुझे दीजिए। उस रोकड़ में भगवान का नाम लिखा हुआ था, पहला नाम लिखना था पीथड़। शाह ने शाह पीथड़ लिखा, वो रोकड़ ले लिया, अपने अंदर रख ली। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, हमें जाना है पूरे गुजरात में धन का संग्रह करना है। तो पीथड़ शाह ने कहा जाओ और जाकर औरंगजेब को बता दो कि गुजरात के अकाल को दूर करने के लिए सारे शाहों को बकाड़ने की जरूरत नहीं है, अकेला पीथड़ शाह ही काफी है। औरंगजेब को जाकर यह बता दो कि गुजरात के अकाल को दूर करने के लिए सारे शाहों को याद करने की जरूरत नहीं, सारे शाहों को पुकारने की जरूरत नहीं, सारे शाहों का चंदा करने की जरूरत नहीं, अरे 1 करोड़ मोहरे तो अकेला यह पीथड़ शाह दे सकता है अभी तक गुजरात के अकाल को दूर करने के लिए। इसका नाम है सामाजिक सहयोग, कि पूरे शाहों को बकाड़ने की जरूरत नहीं, अकेला पीथड़ शाह ही काफी है पूरे गुजरात के अकाल को दूर करने के लिए। समाज में हो, जो मैंने दूसरी बात कही वो है सहयोग की भावना हो, कि परस्पर हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए सकारात्मक सहयोगी बनने की कोशिश करें। अगर हमें लगता है समाज में कोई गरीब तबका है, अगर आपको लगता है समाज में कोई गरीब तबका है, तो मेरे भाई वो शरीर विकलांग है जिसका एक पांव तो मजबूत है और दूसरा पांव पोलियोग्रस्त है। वो शरीर विकलांग है जिसका एक पांव तो मजबूत है और दूसरा पांव पोलियोग्रस्त है। जाओ उन कमजोर पांव को मजबूत बनाओ, अपने अपने समाजों में अस्पताल खोलिए, अपने अपने समाजों में विद्यालय खोलिए, अपने अपने समाजों में प्रशिक्षण केंद्र खोलिए, जहां पर गरीब तबके के लोग आकर मेहनत कर सकें, जहां पर समाज के लोग आकर नए प्रशिक्षण ले सकें, जहां पर छोटे मोटे उद्योग खोल सकें, पापड़ बड़ी के भी काम कर सकें। अपने अपने समाजों में लोगों को उठाने का प्रयास कीजिए। आज की तारीख में संघ और समाज की सबसे पहली यही आवश्यकता है। अब संघ यात्राएं बहुत निकाली जा चुकी है, आज की तारीख में संघ यात्राओं की जरूरत कम है, आज की तारीख में संघ का कल्याण करने की जरूरत ज्यादा है। अब तो जो संघ के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने की, उनको आत्मनिर्भर बनाने की, उनको पांव पर खड़ा करने की जरूरत ज्यादा है। मैंने पहली बात कही समाज में संगठन हो, मैंने दूसरी बात कही समाज में सहयोग हो, और मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा समाज में समन्वय और समानता। बेहिसाब के प्रदर्शनों पर खर्च मत कीजिए। आज की तारीख में इस बात की जरूरत नहीं कि समाज के 5-5 हजार लोगों की जिम्मेवारियां हो, आज की तारीख में अगर सच्चे स्वामी वात्सल्य की जरूरत है तो यह है। अगर आपको लगता है मुझे 5 हजार लोगों का भोजन करना है और उस भोजन में 5 लाख का खर्चा होगा, नया प्रयोग कीजिए। 10 अपने ही समाज के लोगों का चयन कीजिए, उनको गरीब समाज के 10 परिवारों को 50-50 हजार 25-25 हजार का सहयोग कीजिए, उनको पांव पर खड़ा कीजिए। हाँ, समाज की जिम्मेवारियों को समाज स्वामी वात्सल्य कहता है, पर भगवान श्री महावीर उसी को स्वामी वात्सल्य कहते हैं जहां पर एक भाई अपने भाई को बराबर उठा के खड़ा किया करता है। उसी को वो प्रभावना कहते हैं, उसी को स्वामी वात्सल्य कहते हैं जहां पर भाई अपने दूसरे भाई को समानता के रूप में खड़ा करता है। और जो मैं अंतिम बात अपने ओर से कहना चाहूंगा वो है समाज में समन्वय और समानता की भावना भी साथ हो। अगर आप अमीर हैं तब भी मैं हाथ जोड़ के कहूंगा शादियों में बेहिसाब का खर्चा मत कीजिए। कहना मानिए, मेरा कहना मानिए, समाज में शादियों के नाम पर अपनी बर्बादियां मत कीजिए, बेहिसाब के खर्चे मत कीजिए, बेहिसाब के जीवनवारियां मत कीजिए। 30-30 आइटम, 40-40 आइटम, 50-50 आइटम, और लोग भी ऐसे हैं जो 50 आइटम करने वाले के लिए बातें भी करते हैं और 50 के 50 आइटम खाके भी आते हैं, एक भी छोड़ के नहीं आते। लोग भी बड़े गजब के हैं, बातें भी करेंगे, अरे यार हमारा सब क्या बताएं, 50-50 आइटम बनाते हैं, 50-50, 40-40 आइटम बनाते हैं, अरे ये भी कोई तरीका होता है। मैं पूछता हूं तुम कितने छोड़ के आए, छोड़ के तो सब कुछ भी नहीं आए, सब खा के आए।
निर्णय लीजिए, जहां समाज के भोजन में जाएंगे, शादी के भोजन में जाएंगे, ब्याह शादी के भोजन में जाएंगे, निर्णय लीजिए अपने समाज के लिए 10 से ज्यादा, 11 से ज्यादा, 12 से ज्यादा आइटम नहीं बनेंगे। नाकोड़ा तीर्थ के पास एक शहर है बालोतरा, मैं सम्मान के साथ उसका नाम लेना चाहूंगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वहां से अमीर परिवार के घर की शादी आज भी 50,000 में होती है। शायद देश के सबसे ज्यादा अमीर उस शहर में रहते होंगे। बालोतरा एक ऐसा शहर है, टेक्सटाइल का शहर, देश के बहुत सारे अमीर लोग उस शहर में रहते हैं, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा अमीर से अमीर